सीएम योगी का गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन। सीएम योगी ने सुबह उठकर सबसे पहले मंदिर में विशेष पूजा की, इसके बाद गौशाला में गाय को चारा भी खिलाया। पीएम नरेंद्र मोदी जर्मनी से स्वदेश वापस लौट आए। प्रधानमंत्री मोदी की G20 शिखर सम्मेलन, जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल समेत यूरोपीय नेताओं के साथ बातचीत हुई है। इसमें आतंकवाद के खात्मे के उपाय की बातचीत भी की गई। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद और वित्त मंत्री अरुण जेटली आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। इस दौरान वे अन्य पार्टियों के नेताओं से मिलकर चुनाव में सहयोग के लिए अनुरोध करेंगे। राष्ट्रपति पद के यूपीए उम्मीदवार मीरा कुमार आज चंडीगढ़ जाएंगी। वे यहां पंजाब और हरियाणा के कांग्रेस विधायकों से अपने समर्थन में वोट मांगेंगी। भोपाल के रतलाम में सरपंच पति की दबंगई देखने को मिली। टोल टैक्स पर गाड़ी के आगे बैरियर लगाने से सरपंच का पति भड़क गया और उसके बाद जमकर मारपीट की। शामली के थाना जुझाना इलाके में मेरठ करनाल हाईवे पर ट्रक और कार की टक्कर हो गई। हादसे में चार लोगों की मौत हुई है जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। दिल्ली के एम्स फ्लाईओवर पर भी एक भीषण सड़क हादसा हुआ। एक ट्रक से चार कारें टकरा गई। हादसे में सभी कारें क्षतिग्रस्त हैं, छह लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मुंबई में शनिवार देर रात एक ट्रक पर आमने सामने खड़ी दो मोनो ट्रेनों को देखकर लोगों की सांसें थम गई। ये देखकर वहां मौजूद लोग घबरा गए। किसानों के चुनावी वायदों को पूरा नहीं करने के विरोध में किसान महापंचायत ने राजस्थान के 45,000 गांवों के बंद का किया आह्वान। आज दूध सब्जी और अनाज गांव से नहीं जाएंगे बाहर। कुशीनगर में उच्चाहार मामले पर बोलते हुए प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि उच्चाहार में ब्राह्मणों की हत्या नहीं हुई है, अपराधियों की हत्या हुई है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले ने कहा कि गौरक्षा के नाम पर देश भर में दलितों पर अत्याचार बढ़ा है। खासकर बीजेपी शासित राज्य उत्तर प्रदेश दलितों पर अत्याचार के मामले में नंबर 1 है। आगरा में एक बेटी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम एक पत्र लिखा है जिसमें उसने खुद यूपी के लिए खुद को सुरक्षित नहीं मानकर यूपी छोड़कर जाने की बात लिखी। रुद्रपुर में गाड़ी की चाबी खो जाने के मामूली विवाद पर एक स्कूल बस के ड्राइवर ने स्कूल के ही ट्रांसपोर्ट इंचार्ज को गोली मार दी। स्कूल परिसर में अफरातफरी मच गई। बागपत में हाईवे पर पुलिस महफूज नहीं है। बड़ौद कोतवाली इलाके के दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर बस स्टैंड चौकी पर वाहनों की चेकिंग कर रही पुलिस टीम को बेकाबू ट्रक ने कुचलने की कोशिश की। बारिश के जल भराव को स्विमिंग पूल बनाकर खेलना एक बच्चे को जिंदगी पर भारी पड़ गया। 13 साल का अभिषेक राजभर कानपुर स्थित HBT यूनिवर्सिटी के मैदान में भरे पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। प्रदेश में पेट्रोल पंप संचालकों के खिलाफ हुई जांच के बाद प्रशासन ने गड़बड़ी करने वाले आगरा के 7 पेट्रोल पंपों के खिलाफ FIR दर्ज करने के साथ ही उनके लाइसेंस को निरस्त कर दिया है। योगी सरकार ने पेट्रोल पंप के मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दी है। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 7 पेट्रोल पंप मालिकों के खिलाफ जिले के अलग अलग थानों में मुकदमा दर्ज कराया। आजमगढ़ में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद फतेहपुर जिले में आबकारी की टीम हरकत में आई है। टीम ने सदर कोतवाली इलाके में बेरुई हार और नारायण का पूर्वा गांव में छापा मारकर जहरीली शराब के कारोबार को उजागर किया। गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित शहरी गरीब परिवार को निःशुल्क बिजली संयोजन और सुगम संयोजन योजना कार्यक्रम आयोजित किया गया। मथुरा का रेलवे स्टेशन अब पंडित दीनदयाल धाम रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। लंबे समय से चली आ रही मांग के पूरा होने पर लोगों ने खुशी जाहिर की है।